तस्वीरों में आपको ICGS विक्रम दिखाई दे रहा है और ठीक उसके बगल में एक मालवाहक जहाज दिखाई दे रहा है। ये वही मालवाहक जहाज है जिस पर अरेबियन सागर में हूतियों द्वारा हमला करने का इस पर आरोप लगा। अब ये जहाज मुंबई पहुंच गया है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक ICGS विक्रम की सुरक्षा में MVKM प्लूटो आज दोपहर 3 बजे के बाद मुंबई पोर्ट पर पहुंच गया है। इस जहाज के माल को दूसरे जहाज पर ट्रांसफर करने की योजना बनाई जा रही है और जहाज पर हमला कैसे हुआ इसका पता लगाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, खुफिया एजेंसियों और कई अधिकारियों की ओर से एक जॉइंट जांच की जा रही है। एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि जहाज पर हमला करने के लिए मिसाइल या ड्रोन किस चीज का इस्तेमाल किया गया। तटरक्षक बल ने वहां से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा देने के लिए अब पूरे क्षेत्र में गश्त को बढ़ा दिया है और इस बात को आश्वस्त किया है कि भारत आ रहे किसी भी जहाज को इस क्षेत्र में कोई नुकसान न हो। इस हमले के बाद कहा जा रहा था कि हूतियों ने इसी जहाज पर हमला किया, वो भी ड्रोन से। बाद में इसमें नाम ईरान का आया, लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार तब था जब हूतियों की तरफ से एक बयान इसको लेकर जारी किया गया। हूतियों की तरफ से सना नेगोशिएटिंग डेलीगेशन के हेड मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा कि हमला हूतियों ने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया है। पूरी घटना का जिक्र करते हुए अब्दुल सलाम ने अपने एक्स पर लिखा, ये सब कुछ तब हुआ जब अमेरिका की तरफ से यमन के नेवल फोर्सेस पर हमला किया गया और अमेरिका का ही एक मिसाइल जाकर जहाज के ठीक पास में ब्लास्ट किया। बताया गया कि जहाज जो है वो रिपब्लिक ऑफ गाबोन का था और ये रूसी पोर्ट से आ रहा था। अब्दुल सलेम ने बताया कि इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में खतरा बढ़ गया है और अगर इसी तरीके से इस क्षेत्र में सेनाएं उपस्थित रही तो पूरा इलाका जलने वाला है। अब्दुल सलेम ने बाकी देशों से आह्वान किया है कि लाल सागर में अमेरिका जिस तरह यहां पर सैन्य दस्तों को तैनात कर रहा है, अगर ठीक उसी तरह ये सब कुछ होता रहा तो पूरा लाल सागर युद्ध का मैदान बन जाएगा। ईरान समर्थित हूतियों ने जहाज पर हमला किया है या नहीं इसको लेकर भारत जांच कर रहा है। अब हूतियों ने कह दिया कि इस पर हमला अमेरिका ने किया है, भारत इसकी भी जांच करेगा, लेकिन फिलहाल हमला किसने किया और कैसे किया इसको लेकर सवाल बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।